आज हम आए हुए हैं लोनावला महाराष्ट्र। तो ये जो रिजॉर्ट है ये अपर डेक रिजॉर्ट है, आज इसका जायजा लेंगे हम। यहाँ सब कुछ है, सुंदरता है, जैसे आप पीछे देख सकते हैं स्विमिंग पूल जैसे फैसिलिटीज हैं, हट्स हैं, कॉटेजेस हैं, रेस्टोरेंट हैं। तो यहाँ पर वीकेंड गेटवे सबसे बढ़िया रहेगा और मुझे अब तक का ये सबसे बेहतर रिजॉर्ट लगा है। पर याद रहे, जहाँ फूल होते हैं वहाँ थोड़े कांटे भी होते हैं। तो कुछ कमियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो अंत तक बने रहें। रोडों की हालत यहाँ पर थोड़ी सी खराब है, रिजॉर्ट के अंदर जाने के लिए कच्चा रास्ता है। जस्ट अभी रूम पे पहुंचे हैं। ये 115 नंबर, आपको इस तरह के लॉक्स मिल जाते हैं और उसके साथ एक की रहती है। अमूमन जैसे हॉस्टल्स में होता है सेम ही है, और आप अपने की को यहाँ अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद लाइट्स ऑन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। आते के साथ इन्होंने वॉश मशीन वगैरह दे रखा है, दरवाजे हैं, पानी की बोतलें हैं, टी कॉफ़ी मेकर है, एक मिनी फ्रिज है वहाँ उस ड्रॉवर के अंदर, एक एक्स्ट्रा बेड दे रखा है, टीवी है जो प्रॉपर वर्क कर रहा है, एक किंग साइज बेड है, उसके नीचे एक्स्ट्रा मैट्रेस ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने। वॉशरूम जो है वो वेस्टर्न टॉयलेट है और काफ़ी कंफर्टेबल है, सारे टॉयलेट्रीज भी हैं अंदर। रूम के बाहर जो है इन्होंने जो बालकनी है काफ़ी बड़ी बना रखी है, एक शीशे का शटर डोर लगा रखा है, स्लाइड कर सकते हो आप उसको, उसके बाद एक नेट भी है ताकि मच्छर ना आ सके या कोई इंसेक्ट्स ना आ सके। हालांकि ऐसी कोई फील नहीं आई मुझे इंसेक्ट्स और बग्स को लेके, या मच्छर भी नहीं थे। बालकनी काफ़ी बड़ी है, वहाँ भी टेबल कुर्सी इन्होंने अच्छे से लगा रखी है, तो आप यहाँ पर शाम पर बैठ के ये जो अद्भुत नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है और ठंडी ठंडी हवा है उसका आनंद ले सकते हो। सामने स्विमिंग पूल है और अगर यहाँ बारिश हो जाए तो बहुत ही मज़ा आएगा। सिर्फ एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है कि एक एक्स्ट्रा दरवाज़ा है जो बंद रहता है, जो दूसरे रूम में खुलता है। ये इस पर्पज़ से बनाया गया है कि कभी ऐसी फैमिली आ जाए जिसको दोनों रूम चाहिए हो तो वो ये एक ओपन करके अंदर बाहर रूम के कर सकते हैं, लेकिन ये बंद रहता है। बट आवाज़ें अगर कोई शोर शराबे वाला व्यक्ति हो तो आती हैं, तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। एक टाइमिंग से आप नोट कर लीजिए, तो इस टाइम पे आप मील्स अवेल कर सकते हैं बुफे, अगर आपको तो आप प्रीपेड भी कर सकते हैं इसमें। और इस टाइम पे जैसे 4:30 to 5:30 आप आला काट में कुछ स्नैक्स मंगाना है, जैसे मिक्सर पकौड़ा, सैंडविचेस वगैरह या फ्रेंच फ्राइज वगैरह, तो भी ऑर्डर कर सकते हैं। और टी कॉफी मेकर आपके रूम में वैसे भी है, तो वो आपकी सप्लाई वगैरह है तो आपको मिल जाएगा उसके पास। और रेस्टोरेंट रनिंग नहीं है? रनिंग रेस्टोरेंट नहीं, बुफे रहता, फिक्स मिल जाते हैं, बट खाना कभी भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मतलब इसका टाइमिंग्स है तो हिसाब से थोड़ा आगे पीछे होता है। ओके, तो ब्रेकफास्ट सुबह 7:30 to 9:30 तक, लंच 12:30 to 2:30 तक, इवनिंग टी कॉफ़ी 4:30 to 5:30 तक, और डिनर 7:30 to 9:30 है। ठीक है, लेट्स सी। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद बाहर निकले तो अभी भी हो गए काफ़ी, और धनिया बाबा आदमी बहुत तेज हवा चल रही है, पॉन्ड है, और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके सनसेट भी देख सकते हैं, क्यों सनराइज़ तो यहाँ से ही दिखा जा सकता है, बट फॉग की वजह से अभी दिख नहीं रहा था, आज भी नहीं देखा, कल भी नहीं दिखा। बट सनसेट देखने के लिए थोड़ा सा 10 कदम ऊपर चलना पड़ता है, हवा बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा, और रूम से भी सारे व्यूज़ अच्छे हैं। मेरा रूम जो है ये कॉर्नर है, इससे जो नज़ारा दिखता है बाहर का आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, और इन्होंने रूम्स भी ऐसे बना रखे हैं कि सभी को एकदम क्लियर व्यू मिल सके, ये काफ़ी अच्छा है। इस वक्त शाम हो रही है और सनसेट का टाइम है, 6 बज रहे होंगे, तो जो माहौल यहाँ पर बन रहा है ना वो देखने लायक है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चारों तरफ ग्रीनरी है,
आसमान का रंग भी थोड़ा लाल लाल सा हो रहा है, और जब सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो आई थिंक इसका नज़ारा और भी बहुत ही कमाल का हो जाएगा। इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोकेशन वाइज और ब्यूटी वाइज सबसे सुंदर रिजॉर्ट अभी तक मुझे लगा है। हालांकि कुछ महंगे रिजॉर्ट होंगे जो और भी ज़्यादा होंगे सुंदर, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मिड रेंज रिजॉर्ट्स जहाँ पे सारी सुविधाएं भी हैं और ख़ास करके ब्यूटी भी है। तो अगर आप प्लान बना रहे हो लोनावला का, आई रियली सजेस्ट कि आप यहाँ आएँ।